पे। ये इसका डोर है ना, इसका थर्ड सुनना। कहीं पे भी आपको फिट एंड फिनिश का इशू लग रहा है? नो प्रॉब्लम फिट एंड फिनिश, नो प्रॉब्लम विद द वे इट ड्राइव्स, नो प्रॉब्लम विद द वे इट लुक्स। आई थिंक एज एन एमपीवी इट्स अ वेरी स्टाइलिश लुक। सो बीवाईडी वर्ल्ड्स नंबर वन ईवी मैन्युफैक्चरर, दे आर हर क्वालिटी की। ये जो आईफोन्स आप यूज करते हो ना, ये भी चाइना में बनकर आते हैं। मतलब जस्ट फॉर रेफरेंस, इट्स अ कंफर्टेबल व्हीकल बट इट्स नॉट एज कंफर्टेबल एज हाई क्रॉस वाला कंफर्ट। और क्वालिटी, फिर मैं वही बोल रहा हूं, आप लिख दो कमेंट में आके कि इट इज अ चाइनीज प्रोडक्ट। इट इज At the end of the day, I think they're playing a safe game. Hello and welcome to Motorscribes. I'm Vikram Gore, and along with me is my dear friend RJ Manav. Hello everyone, good evening, good afternoon. Good night. If you're watching in US, good heat of Chennai. हाँ, बहुत ही बढ़िया. So I'll try to use as much English as I can. And thanks to Vikram Paji again for letting me part of this video. Thank you for being on the show yet again. In this video, Manav, I want to have a chat with you about the segment. Not so much getting into the product details, but just talking about the market segment of large three-row MPVs in the country. So technically, if you talk about electric MPVs, it is the first one. Yes. There is no other electric MPV in the market. And now I know why there is no other MPV in the market. शायद हो सकता है रिक्वायरमेंट ही ना हो। एनीवेज, बट एमपीवी सेगमेंट की बात करें तो पाजी देखो, सेगमेंट ना बड़ा ही वास्ट है। अर्टिगा भी लोग खरीदते हैं, इनोवा भी लोग खरीदते हैं, करेक्ट है ना। कारेंस पता नहीं क्यों नहीं खरीदते हैं, बट गाड़ी वो भी अच्छी है। और वहाँ कार्निवल भी बिकती है। सो इस सेगमेंट का बायर मुझे लगता है, आई थिंक देयर इज अ बायर फॉर दीज कार्स एट एवरी प्राइस पॉइंट, करेक्ट, बट एट एवरी फ्यूल पॉइंट, दैट इज द क्वेश्चन। अब हम ये बात करेंगे to put it in Hindi for you. Yeah, thank you so much for helping me out. Total English spent. कि BYD ने इसका price range रखा है 26 lakhs to 29 lakhs. हाँ. जो बिल्कुल Innova Krista वाले price point पे आता है. बिल्कुल आता है. तो we're seeing an EV price like a regular ICE version. हाँ. तो do you think that BYD is really gunning for a larger market share, or what do you think their agenda is? So first, let me address the elephant in the room, the Innova. हाँ. ठीक है. So Innova is Bhishma Pitama. हाँ. है ना, वो इच्छा मृत्यु है। आज तक किसी ने इनोवा को हराया नहीं है। जिस दिन वो गाड़ी खुद डिसकंटिन्यू होगी, उस दिन वो गाड़ी बंद होगी, उससे पहले उसको कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ। है ना, और कोई कॉम्पिटिटर है भी नहीं। फ्रैंकली ये गाड़ी भी इनोवा को किसी भी तरह से बीट नहीं कर सकती, है ना। बट ये वाली जो चीज है कि आईस के बराबर में एवी को खड़ा कर दे, ये कमेंडेबल है। तो आई थिंक दैट द प्ले इज ओवर देयर, कि चलो उतना स्पेस नहीं दिया जैसे क्रिस्टा का है, उतना कंफर्ट नहीं दिया जितना क्रिस्टा का है। इट्स अ कंफर्टेबल व्हीकल बट इट्स नॉट as comfortable as high cross wala comfort. So at the end of the day, I think they're playing a safe game ki hum ek naya route bhi bana rahe hain aur uske bagal mein bhi chal rahe hain ki ek option mile market mein, and people can then opt and say that chalo mera running around cities mein hi hai, zyada mera outdoor nahi hai, lambe trip ka zyada hai hi nahi. I think bhai brand ka naam hai build your dreams, aur mujhe lagta hai ye apna india mein yahi dream pura karna cha rahe hain ki mpv segment mein actual pakad banayi jaye. Isse pehle e6 bhi thi, agar aap dekho jo iske इससे पिछले जनरेशन आ रही थी टेक्निकली, तो वो भी फ्लीट ओनर्स में बहुत पॉपुलर थी, है ना। बट वो लॉन्च हुआ था फ्लीट ओनर्स के लिए। हाँ। जब लॉन्च हुआ था तो कम्युनिकेशन वाज दैट दिस इज अ कमर्शियल व्हीकल, करेक्ट। और वो बीवाईडी कहना था कि हम टेस्टिंग करना चाह रहे थे, और वो अच्छा तरीका टेस्ट करने का, अच्छी बात भी है, क्योंकि जितना फ्लीट ओनर चलाते हैं उतना तो हम नहीं चला पाते। और ये वाला अब ये कह रहे हैं कि प्राइवेट ओनर्स भी रखेंगे एंड कमर्शियल फ्लीट में भी ये गाड़ी, फिर बाद में आगे जो जाएगी जाएगी। और लेकिन उस हिसाब से डिजाइनिंग बड़ी अच्छी है, अगर आप लुक्स वगैरह देखो, अंदर फीचर्स वगैरह देखो, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ा गेम ही यही कर दिया कि भाई देखो, आपको ना वो पेट्रोल वाला पैसा बच जाएगा आपका, करेक्ट है ना। डेली चलाने जो आप चलाने जा रहे हो, वो आपका पेट्रोल का पैसा बच जाएगा। आपको इनोवा जैसी एक बड़ी एमपीवी चाहिए, आपको बड़ी एमपीवी दे दी, आप फ्यूल भी बचा लो। हाँ। थोड़ा कंफर्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पर स्पेस ओवरऑल एलोकेशन ठीक है, ओवरऑल ठीक है। हाँ, एसी वगैरह बढ़िया चलती है, गाड़ी चलने में बहुत ही बढ़िया है। अगर आपकी एवरेज फैमिली हाइट 5 feet 7-8 inches है ना, तो कंफर्ट के जो हम 1-2% गिरा रहे ना, वो भी नहीं गिरेंगे। वो कंफर्ट की बात हो रही है इन जैसे लोगों के लिए, ये 6 feet 2 inches 3 inches, इनके लिए तो इंडिया में गाड़ी नहीं बनी है। चाइना छोड़ो, इंडिया के भी एवरेज हाइट से भी ऊपर ऊपर है। तो इनको तो कहीं कंफर्टेबल नहीं लगता। आप वो ट्रक वगैरह लो, उसमें आपका हेडरूम प्रॉपर आएगा। यार रोड रोलर भी नहीं होता, वो जो ओपन चलता है वो वाला आपके लिए भी ठीक है। बट मैं काफी इंप्रेस्ड हूं इस गाड़ी से। आई थिंक द वे इट ड्राइव्स, द पिकअप, 530 का रेंज बोल रहे हैं, 400 तो मिल ही जाएगा।
देखो इसमें ना एक तारीफ करनी पड़ेगी, और यहाँ मैं बहुत, अब मुझे पता आप लोग कमेंट कर दोगे, पीपल विल से चाइनीज है, चाइनीज प्रोडक्ट। सी इन चाइना यू गेट सेम प्रोडक्ट फॉर 1 रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। यस, वहाँ पर हर चीज कम से कम और महंगी से महंगी बनती है, हर क्वालिटी की है। जो आईफोन्स आप यूज करते हो ना, ये भी चाइना में बनकर आते हैं, मतलब जस्ट फॉर रेफरेंस। सो ऐसा नहीं होता कि कोई चीज जो चाइना की है ना उसकी क्वालिटी खराब होगी। इंडिया के अंदर हम 90% सामान जो इलेक्ट्रॉनिक है वो सब सब में चाइना का हाथ है कहीं ना कहीं। सो BYD वर्ल्ड्स नंबर वन EV मैन्युफैक्चरर इंक्लूडिंग चाइना, नॉट लाइक ओला एक्सक्लूडिंग चाइना, ठीक है। तो इनकी टेक्नोलॉजी रोबस्ट है, वो बात पता लगती है, क्योंकि ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी, देयर पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी, इट्स ऑल टॉप नॉच स्टफ। वो बहुत टेस्टेड है, तभी तो ये मार्केट लीडर है। करेक्ट, हाँ, मतलब यार दुनिया भर में 1 करोड़ गाड़ी बेचने का मतलब आप समझ रहे हो, 10 मिलियन कार्स बेची इन्होंने, 1 करोड़ गाड़ी कोई ऐसे नहीं बेच सकता ना कि कुछ भी बना के, थर्माकोल गाड़ी बना के थोड़ी बिक जाएगी, गाड़ी में कुछ बात होगी। और चलो हम तो इंडियन कंज्यूमर हैं, हम शायद उतना, हम बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं, हम इमोशंस में, रिश्तेदारों की बातों में। अमेरिका और यूरोप में लोगों के रिश्तेदार नहीं होते, वो आदमी सोलो डिसीजन लेता है। और वहां पर उन मार्केट्स के अंदर इन BYD ने अपने पैर जमाए हैं। सो टेक्नोलॉजी वाइज ना, जो रेंज वाली बात पे मैं वापस आ जाता हूँ, जो 530 की रेंज दे रहे हैं, मुझे लगता है ये 480 के आसपास भी रेंज निकालेगी, बहुत आराम से निकालेगी, कंफर्टेबली, क्योंकि बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है, ये गाड़ियाँ ऑलरेडी ये लोग ग्लोबल मार्केट में बेचते हुए आ रहे हैं, और वही प्रोडक्ट आया है, लाखों यूनिट्स में बेची है। तो आई थिंक कि यहाँ पे वैसे वाले फॉल्स प्रोमिसेस नहीं है कि कुछ ब्रांड होते हैं जो कहते हैं 600 की रेंज होगी, निकलती 300 की है, तो वो वाला फॉल्स प्रोमिस हमें भी महसूस नहीं हो रहा है। और क्वालिटी, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, आप लिख दो कमेंट में आके कि इट इज अ चाइनीज प्रोडक्ट, आप क्वालिटी देख लो, इतनी बढ़िया फिट एंड फिनिश है, कहीं पे भी आपको फिट एंड फिनिश का इशू लग रहा है? नो प्रॉब्लम फिट एंड फिनिश, नो प्रॉब्लम विद द वे इट ड्राइव्स, नो प्रॉब्लम विद द वे इट लुक्स। आई थिंक एज एन MPV इट्स अ वेरी स्टाइलिश लुकिंग, करेक्ट, ठीक है, ग्राउंड क्लीयरेंस इज गुड, बहुत प्रैक्टिकलिटी इज टॉप नॉच। और मैं एक चीज ऐड करता हूं, एक ये चीज ये सुनाता हूं मैं माइक पे, ये इसका डोर है ना, इसका थर्ड सुनना, सॉलिड। मैंने आखिरी बार इतना भारी दरवाजा जो फील किया ना, वो किसी लेक्सस का या लग्जरी का, मतलब जिनके नामों के वो कसीदे पड़े जाते हैं ना कि इनका लोहा है, ये उस लोहे के बराबर का लोहा है। तो कि वो एक हमें थोड़ा सा ना, हमें वो धारणा से बाहर आना पड़ेगा कि देखो आप, उन लोग ग्लोबल हो चुके हैं, वो उन बातों में अपना बात नहीं रह गई है कि ये चाइनीज है, ये जर्मन है और ये वो है। और हमारे प्रधानमंत्री भी तो अभी गए हुए हैं ना बायलैटरल टॉक्स के लिए, हाँ, वो इसी के बारे में बात करके आ रहे होंगे कि रेंज कितनी दे रही है। जिनपिंग भी वही है, हाँ, गले भी मिले, हाथ भी मिलाया, हाँ, तो ठीक है यार, तो हम कौन होते हैं, हाँ, वो पॉलिटिकल, अगर जब हमारी सरकार ने, तो प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखो, यू लीव आउट द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, करेक्ट, वी आर लुकिंग एट अ व्हीकल दैट इज एक्चुअली अ ग्रेट प्रैक्टिकल चॉइस, वैल्यू फॉर मनी। आज के रेट में 29 लाख रुपए में आपको 7 सीटर या 6 सीटर MPV इलेक्ट्रिक कौन दे रहा है? करेक्ट, कोई नहीं दे रहा, दे भी नहीं सकता, एंड योर रनिंग कॉस्ट इज निग्लिजिबल, हाँ, आपके पास कुछ नहीं आ रहा, 530 किलोमीटर कितना बैटरी बैकअप ना, 77 किलोवाट आर, अगर 71.8 है शायद, हाँ, एंड 50 द स्मॉलर बैटरी इज 55। सो अगर बड़े वाला भी ले ले, 71 किलो वाट आर का बैटरी पैक है, एवरेज यूनिट अपर साइड पर 7 रुपीज पर यूनिट है, तो 71 × 7, लेट मी टेक आउट द कैलकुलेटर, आई एम नॉट आर्यभट्ट, मेरे को जरा थोड़ा सा मैथ मेरा वीक है, तो 71 × 7, सो लाइक 497 रुपीज में यू ड्राइव ऑलमोस्ट 497 किलोमीटर, करेक्ट, 1 रुपी पर किलोमीटर, 1 रुपी पर किलोमीटर। सो आप इसको चाहे कमर्शियल लेवल से देख लो, और यू सी थ्रू अ प्राइवेट ओनर लेवल, दोनों में विन-विन सिचुएशन के लिए तो ये नो ब्रेनर है। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई बड़ा कंपनी है दैट रन्स फ्लीट्स एंड दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस, स्पेशली दिल्ली टैक्सीज, बॉम्बे टैक्सीज, ऑल ऑफ दैट, उनके लिए इससे बेटर चीज तो मिलेगा ही नहीं। और मैं कहता हूं अगर ये बेटर चीज नहीं होती तो जो इससे पहले आ रही थी E6 आ रही थी, सो ब्रांड्स लाइक ब्लू स्मार्ट, बिग फ्लीट ओनर्स, बिग दीस कैब कंपनीज, इलेक्ट्रिक कैब कंपनीज, वो कभी नहीं लेते भाई, उनका तो डेली चलाना है ना, उनके लिए लॉस मेकिंग है, उनके लिए अगर गाड़ी खड़ी हुई तो लॉस हो रहा है। तो इसमें मतलब वैल्यू फॉर मनी भी है, टेक्नोलॉजी वाइज भी सॉलिड है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कमी है। आई थिंक BYD को इसको थोड़ा लोगों तक और पहुंचाना चाहिए, करेक्ट, दे शुड टेल पीपल मोर अबाउट दीज व्हीकल्स, दीज टेक्नोलॉजी, कि कितनी रोबस्ट है एंड कितनी बेहतर काम कर सकती है। एब्सोल्युटली,
Well, on that note, I would like to thank Manav again for giving his insight. Thank you so much, Pali. Totally nobody listens to me, but you're the only person who always agree with you. Forget listening. बताओ ये तो कमाल ही हो गया. तो चेन्नई में आने के बाद विक्रम भाई ने मेरी बात सुनी, मेरी बात से अग्री भी कर गए, वरना तो कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा. आपने इतना मौका दिया, काफी बड़ी बात है. So if you don't like Manav, you just let me know in the comments below. If you like Manav, let me know in the comments below. But Manav, in any case, he'll get a good reach just because of your comment. But this is just to increase the interaction. Thank you for spoiling my game. चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता दी. But closing note. Okay. We've got a practical vehicle here. Correct. It's built well. It's got a very good range, which adds to its practicality. Yes, some negatives would be that comfort could have been a little bit better, but it's not a deal breaker. है ना? And the price is right. Price perfectly priced car. अभी हमने पीछे कुछ launches में देखा है कि कुछ brands ने pricing को लेकर blunder कर दिया. हाँ. अजीब प्राइसिंग, मतलब उन्होंने ऐसा लगता है पर्ची निकाल के प्राइस निकाला था. ओ 70 लाख की गाड़ी बेचेंगे, 70 लाख की गाड़ी, अरे कैसे बिकेगी. लेकिन यहाँ प्राइसिंग बहुत सेंसिबल प्राइसिंग है, बहुत सेंसिबल प्रोडक्ट के लिए प्राइसिंग है. अच्छा, आई डोंट थिंक किसी भी चीज़ में कोई कमी है, मुझे नहीं लगता. And it doesn't have too much competition. So if you're out there, there is no competition. Actually. So if you're out there, you're looking for a nice EV, you want something that's a family vehicle, I would strongly recommend that the BYD E-Max 7 make it to your list. Take it for a drive, take it for a spin, take family along and see what they have to say as well. Because this is our opinion. We'd love to hear about yours too. So leave that in the comments as well. And if you have any further questions, leave that in comments too, because it's my promise and the Motorsky's promise that we always get back to you. And mera bhi chota sa promise isme add kar lo, aur end mein main fir ek baat kahunga, Innova is Bhishma Pitamah.